चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा बातें कर लेती हूँ, फिर वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। बातें करने के बावजूद मुझे येलो डॉलर मिलेगा क्योंकि ये क्रंच वीडियो है, फिर भी मैं एक मिनट आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। और मुझे इस मंथ पे पेमेंट मिला है तो मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं पेमेंट से मैं कुछ खरीदूंगी, तो जो मैं खरीदूंगी आइदर मेरा संसार में मैं खर्चा करूंगी, वो आप लोगों को मैं शेयर भी करती हूँ। मैं मंथली पेमेंट मिलता है, बहुत लोगों को क्वेरी से मैम आपको मंथली पेमेंट मिलता है या नहीं मिलता है। हाँ, मुझे मंथली पेमेंट मिलता है। और कभी कभी मैं जब वीडियो थोड़ा बहुत बहुत कम वीडियो बना लेती हूँ तब मुझे वन मंथ बाद छोड़ छोड़ के पेमेंट मिलता है। लेकिन यही वीडियो अगर येलो डॉलर नहीं होता, ग्रीन डॉलर होता, तो मुझे बहुत अच्छा पेमेंट भी मिलता यूट्यूब से। तो मैं आप लोगों को पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, आप लोग चाहते हैं तो वीडियो बनाइए और शेयर कीजिए। और मेरा वीडियो क्रंच वीडियो आएगा, ऐसे ही आएगा, मैं ऐसे बैठ के आप लोगों के साथ क्रंच वीडियो शेयर करूंगी तो अच्छा होगा। और आप लोग प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिनको कुछ भी क्वेरीज हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट पे आप लोगों को रिप्लाई भी दूंगी, रिप्लाई देती हूँ और आगे जाके भी दूंगी। तो आप लोग ऐसा मत सोचिए मैं कुछ झूठ बोलती हूँ, मैं जो भी कुछ शेयर करती हूँ वो मेरे साथ होता है और मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर लेती हूँ। मुझे पेमेंट मिलता है तो इसमें छुपा के कुछ किसी को जाता आता नहीं है। मैं मुझे मिला है, मुझसे कोई छीन भी नहीं सकता है, तो मैं झूठ बोल के क्या करूँगी। सब यूट्यूबर्स को मिलता है, मुझे भी मिलता है। आज से मुझे 15-20 पेमेंट मिल चुका है और YouTube मुझे बहुत साथ दिया है, सपोर्ट किया है। आप लोग भी YouTube कीजिए और YouTube से अच्छा खासा ले सकते हैं, मतलब पेमेंट ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत लोगों को मेरा क्रंच वीडियो पसंद भी नहीं है, वो लोग गुस्सा भी करते हैं, मैम आप क्यों खाते हैं, ये सब मत खाइए। तो चलिए वीडियो को आप बातें नहीं करते हैं, इसके बाद मैं स्टिकर लगा दूंगी। स्टिकर लगा के मैं वीडियो को क्रंच करूंगी क्योंकि स्टिकर लगा के मैं देखना चाहती हूँ, इससे मुझे येलो डॉलर ही मिलता है, फिर भी मैं एक बार ट्राई कर लेती हूँ। अगर मुझे ग्रीन डॉलर मिलता है तो मुझे मेरे लिए अच्छा है, ग्रीन डॉलर से थोड़ा सा फायदा होता है, आप लोग जानते ही है। मैं थोड़ा सा बकबक कर रही हूँ, आप लोगों को अच्छा भी नहीं लग सकता है। जिनको अच्छा नहीं लगता है वो लोग इस पार्ट को थोड़ा सा स्किप करके देखिए, लेकिन मुझे लगता है आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत कुछ शेयर कर लेती हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है, आप लोगों के साथ एक कनेक्ट भी हो सकता है मेरा। तो इसलिए आप लोग मेरा बात को सुनिए, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। और मैं बहुत जल्दी घूमने भी जाऊंगी और मेरा बेटा का रिजल्ट भी आउट होने वाला है, तो क्या होगा नहीं होगा मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा ही लगता होगा, क्योंकि सब टाइम तो क्रंच अच्छा नहीं लगता है, कभी कभी मेरा मन की बात आप लोगों के साथ शेयर करना भी जरूरी है और इससे अच्छा ही होता है। मेरा तो कुछ भाई बहन नहीं है जो मैं उनके साथ थोड़ा सा बातें करूं, है मामा का लड़की और मासी का लड़का है, लेकिन बहुत दूर रहता है, थोड़ा बहुत बातें होता है। लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा मेरा एक फ्रेंडशिप हो गया, आप लोगों के साथ मैं कुछ भी शेयर करती हूँ। और सबसे ज्यादा अच्छा बात है इस चैनल को मेरा फैमिली मेंबर भी सब्सक्राइब किया हुआ है, मैं जो भी बोलती हूँ मेरे फैमिली मेंबर भी सुनता है। तो इसमें कुछ मेरा आता जाता नहीं है, मैं ऐसा तो कुछ नहीं आप लोगों के साथ बताती हूँ, मेरे लाइफ में जो होता है वो मैं सबके साथ ही शेयर करना पसंद करती हूँ। तो चलिए, और बहुत मैं शेयर कर लिया तो इसको आप हर वीडियो में देखेंगे। मैं थोड़ा बहुत बातें करके क्रंच करूंगी क्योंकि मुझे येलो डॉलर दे रहा है। तो YouTube अगर हम लोगों को ग्रीन डॉलर से येलो डॉलर में येलो डॉलर से ग्रीन डॉलर में कन्वर्ट कर दे तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। ये हम लोगों को YouTube के पास रिक्वेस्ट है, हम लोगों को येलो डॉलर देना बंद करे क्योंकि हम लोगों को अर्निंग में बहुत ही दिक्कतें हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं टेबल पॉट से स्टार्ट करती हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ये कर लेती हूँ, अभी क्रंच कर लूंगी। बहुत ही हॉट है,
बहुत ही हार्डी है, बहुत ही अच्छा है। मैं सेकेंड पीस को लेती हूँ। बहुत ही इसका जो स्मेल होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। और जो लोग क्लेपॉट लेते हैं और बोलते हैं टेस्ट में अच्छा नहीं है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि आपका सेम स्टॉक ही मैं सॉलो करके ईट करती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और पानी ख़त्म हो गया है, पूरा मुंह में मेरा लगा हुआ है, तो मैं एक बार मैं अच्छा वाला पानी से थोड़ा सा उनको वॉश कर लिया। और मैं ये सब ईट करके, मैं सिलेट आइटम भी ईट करके बहुत ही ज़्यादा मैं पानी पीती हूँ, क्योंकि पानी पीना ज़रूरी है। आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ, पानी पीना ज़रूरी है क्योंकि ये सब क्लेपॉट अंदर से निकल जाना भी ज़रूरी है। इसलिए ज़्यादा तर करके ये सब अगर कोई सवालों करते हैं तो आप लोग ज़्यादातर ये कीजिए, पानी पीजिए, फ्रूट्स खाइए और कुछ भी हेल्दी वाला ड्रिंक्स खाइए जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। क्योंकि ये सब तो हम लोग खाते हैं, हम लोगों का आदत है, हम लोग छोड़ नहीं पाते हैं। मैं बहुत कोशिश किया हूँ लाइफ में इसका आदत छूट जाए, लेकिन जो लोग इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, मतलब आप लोग क्यों खाते हैं, आप लोग मर जाएंगे, वो लोग समझता ही नहीं है हम लोग क्यों खाते हैं। ये नॉर्मल लोगों को नहीं होता है जिनको पीका नाम का डिजीज़ होता है, इधर बोलते हैं पीका नाम का कोई क्या बोलता है रोग हम लोग बोल सकते हैं डिजीज़, तो उनको ही ये सब केक क्ले पॉट सिलेट आइटम खाना पसंद है क्योंकि इसमें से हम लोगों को कैल्शियम मिलता है, हम लोगों का बॉडी में आयरन मिलता है, इसलिए हम लोग खाते हैं, इसको ईट करते हैं, इसलिए हम लोगों को खाना अच्छा लगता है। सबको ये सब ईट करना अच्छा भी नहीं लगता है और सबको ये सब पसंद भी नहीं होता है, लेकिन हम लोग कैसे उन लोगों को समझाएं जो लोग ये सब ईटिंग नहीं करते, इसको हार्मफुल समझते हैं। तो हम लोगों का कुछ कर नहीं सकते क्योंकि लाइफ में बहुत ऐसा पार्ट्स होता है जो हम लोग बोल के भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, समझा नहीं सकते हैं। ये लोग जिसके
ये सब जिसके ऊपर से जाता है वही लोग समझते हैं हम लोग क्यों ये सब ईट करते हैं, क्यों लोग हम लोग इसको स्वालो करके खाते हैं, क्यों हम लोगों को इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है, मतलब क्यों हम लोगों को ये सब होता है। ये बोल सकते हैं ये कुदरत का खेल है और भगवान ने ही ऐसे हम लोगों को बनाया है। हम लोग आए धरती पे, माँ बाप ने हम लोगों को पाला और पालने के बावजूद हम लोग ये सब खाना थोड़ा थोड़ा करके, छोटा से ही थोड़ा थोड़ा करके इसका लत लग जाता है और बड़ा होके जब हम लोग सब कुछ हम सब कर सकते हैं, मतलब दुकान जा सकते हैं, हम लोगों के हाथ में सब कुछ रहता है, तो हम लोग ही ये सब खरीद के ले आके हम लोग खा लेते हैं। तो ये सब सबको नहीं समझ में आता है हम लोग क्यों करते हैं, क्यों का कोई आंसर नहीं है, क्यों का आंसर डॉक्टर लोग दे सकता है, हम लोग क्यों कर सकते हैं, मेडिसिन दे सकता है डॉक्टर, इससे ज्यादा वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब ये सब जिनका बॉडी में आयरन और क्या बोल सकते हैं आयरन की कमी है, और ये मैं मेरा डॉक्टर के पास एक दिन गया था, तो बहुत अच्छा वाला गायनोकोलॉजिस्ट है वो डॉक्टर, तो अरिंदम शाहा बोल के कोलकाता में, तो वो मुझे बताया था, मैं उनके साथ शेयर किया था मैं सिलेट पेंसिल खाती हूँ डॉक्टर जी, तो इससे कुछ होगा या नहीं होगा, वो डॉक्टर मेरा ये बात सुन के हंस लिया, पहले हंसा फिर बोला कुछ नहीं होगा ये लड़की लोग खाता है, और फिर मुझे मेडिसिन कोई प्रिस्क्राइब करने की बात नहीं बोला कि, लेकिन मैं ये डर के थोड़ा थोड़ा बहुत लज्जा से शर्म से मैं शेयर किया था, लेकिन वो डॉक्टर ने मुझे कुछ भी ऐसा प्रिस्क्राइब नहीं किया जो आप मत खाओ, तो मुझे थोड़ा बहुत हो सकता है आयरन का टैबलेट दिया था थोड़ा, क्योंकि आयरन की कमी की वजह से ये सब खाना पसंद होता है, तो छोटा छोटा मुझे 15-15 पीस आयरन का जो छोटा छोटा टैबलेट होता था वो मुझे सजेशन किया था और वो मैं खाती रही, तो उससे कुछ फायदा नहीं हुआ, आप देख सकते हैं अभी भी मैं खाती हूँ, तो ये मेडिसिन से ठीक हो सकता है, क्योंकि बहुत मेडिसिन ऐसा भी होता है बहुत पावरफुल होता है जो ये सब हम लोगों का आलत है वो कमी कर सकता है, लेकिन मुझे मैं मेडिसिन लिया आयरन का मेडिसिन लिया था क्योंकि डॉक्टर बोला था ये सुन के, थोड़ा आयरन का टैबलेट दिया था, तो वो जब जिस दिन से मैं फिर से छोड़ दिया, क्योंकि आयरन का टैबलेट मुझे बोला नहीं जब मुझे लाइफ टाइम खाना है, तो जब से मैं छोड़ दिया फिर से मैं खाती हूँ, जब मैं वो टैबलेट भी खाती थी मुझे छूटा नहीं, मुझे मन करता था जब मैं थोड़ा बहुत खा लेती थी, तो अभी मैं स्टॉक को जितना आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मेरे घर में रहता है तो मुझे उतना लत नहीं लगता है खाने का, क्योंकि मैं हर टाइम उसको देखती हूँ, हाथ से वीडियो बनाती हूँ, तो ये करते करते मेरा एक आदत सी हो गई, मुझे ये सब नशा बोल सकते हैं आप, कुछ भी लत बोल सकते हैं, ये सब से मैं थोड़ा सा दूर हो चुकी हूँ। तो यही फ्रेंड्स आप लोगों के साथ शेयर किया मैंने, क्योंकि मैं हर वीडियो में आप लोगों के साथ जितना हो पाता है, जितना मेरा मन में रहता है मैं शेयर करती हूँ, आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगता है, बहुत लोगों को अच्छा लगता है जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं। तो आज का वीडियो मैं इधर ही ख़त्म करूँगी, आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आगे बहुत अच्छा अच्छा वीडियो आप लोगों के साथ दूंगी, अभी तो रात हो चुका है और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, ये वीडियो शायद कल सुबह अपलोड होगा, तो आप कल सुबह देखना और कैसा हुआ कमेंट करना, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, तो बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।